आखिर क्यों माँ कामाख्या ने असम के राज परिवार को द रॉयल डायनेस्टी को एक श्राप दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस कारण से राजा का प्रवेश कामाख्या मंदिर में निषेध हो गया? आखिर वह कौन सी घटना थी जिस घटना के कारण माँ कामाख्या ने पुजारी को पत्थर की मूरत बना दिया? आखिर क्या रहस्य है माँ कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन का? और आखिर क्यों जून के अंत हर साल सभी वहाँ पर आम्बुवाची फेस्टिवल मनाते हैं? माँ कामाख्या के कुछ ऐसे रहस्य अनसुने अनसुलझे, ऐसे राज जो सुनकर आपका माँ के प्रति अपार भक्ति का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे, किंतु साथ में आश्चर्य का भी अनुभव करेंगे। कुछ सदियों पहले की बात है कामाख्या के ऊपर और गुवाहाटी यानी कि यह जो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं असम के ऊपर, जिनका राज था हुए थे कूच बिहार राजा, जिन्हें कहीं कहीं पे कूच बिहार राजा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो राजा थे नर नारायण और मंदिर के जो पुजारी थे केंदु कलई, इन दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। इस कारण से केंदु कलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे और यह भी कहते हैं कि अगर उन्होंने माँ से कुछ मांग लिया तो माँ उन्हें जरूर प्रदान करती थी। अब एक बार घटना यह हुआ कि केंदु कलई के पास एक महिला आई अपनी मृत बच्ची को लेकर। उस माँ ने रोते बिलखते हुए केंदु कलई से कहा कि आप मेहरबानी करके मेरी इस पुत्री को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है, यह तो स्वयं माँ ही निर्धारित कर सकती है। तब उस महिला ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति पर बहुत श्रद्धा है, अगर आप एक बार माँ से प्रार्थना करेंगे तो माँ जरूर आपकी बात मानेगी। तब जाकर पुजारी ने कहा कि ठीक है मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अपने अंतर्मन से मैं माँ से प्रार्थना करूंगा आपकी बेटी के लिए। फिर उनके हाथों में होगा तो उस बच्ची का जो डेड बॉडी था उसे उठाकर माँ कामाख्या के गर्भगृह में ले जाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा आम्बुवाची के बारे में जान लेते हैं। तो आम्बुवाची जो समय है वो फेस्टिवल है। इस पर्टिकुलर त्योहार के दौरान यह जो जून के महीने में माँ रजस्वला होती हैं, इसका मतलब ये है कि हर साल में एक बार माँ मेंस्ट्रुएशन में आती हैं। और जब माँ मेंस्ट्रुएशन में आती हैं उस समय पर द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन द्वार बंद होने से पहले वह जो पाषाढ़ शिला है उसके ऊपर सफेद कपड़ों से उसे ढक दिया जाता है। जब 3 दिनों के बाद यह द्वार खुलते हैं उस समय पर जो सफेद वस्त्र हमने 3 दिन के पहले देखा होता है, यह वस्त्र पूरी तरह खून से सना होता है यानी कि ब्लीड कर रहा होता है। और फिर इस वस्त्र को उतार कर उसका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो यह जो पाषाढ़ शिला थी, इस पर्टिकुलर शिला के ऊपर केंदु कलई जो पुजारी थे उन्होंने उस डेड बॉडी को रखा और रखने के बाद माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ जीवन मृत्यु आपके हाथों में है, आपसे प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इस बच्चे का भला करिए। और जैसे ही उन्होंने यह बात कही कि तुरंत वह बच्ची जीवित हो गई और अब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। अब जो राजा राज कर रहे थे उनके तक भी यह बात पहुंची। अब यहाँ एक और बात समाज में फैल गई कि शाम के वक्त आरती के बाद जब द्वार बंद हो जाते थे तो केंदु कलई गर्भगृह में बैठकर जब माँ की उपासना करते थे तो उस समय पर माँ स्वयं साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी, डांस करती थी, जिसे द कॉस्मिक डांस कहते हैं। और वो संपूर्ण रूप से नग्न होकर यानी कि नेग्ड होकर उनका जो ये नृत्य है वो होता था। तो यह जब घटना के बारे में राजा को पता चला तो राजा ने विनती की केंदु कलई से, मुझे माँ के एक बार दर्शन करने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि देखिए राजन सब बात ठीक है लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जब उपासना करता हूँ माँ की तब आँख पर पट्टी बांध कर करता हूँ, मैं कभी माँ को देखता नहीं हूँ नृत्य करते हुए। राजा ने साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करके उन्होंने केंदु कलई को किसी तरीके से मना लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको गर्भगृह के अंदर तो नहीं आने दूंगा। शाम ढलती गई रात हुई। रात होने के बाद जैसे ही केंदु कलई ने स्तुति करना आरंभ किया तो माँ तुरंत प्रकट हो गई, लेकिन माँ को यह भास हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने देखा कि छिद्र से स्वयं नर नारायण जो राजा है वो उनको देख रहा है कि तुरंत ही उन्होंने सबसे पहले पंडित वहाँ पर बैठकर जो स्तुति गा रहे थे उनको पत्थर का बना दिया। इसके बाद माँ ने सीधे राजा की ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ, अगर आप या आपका वंश इस मंदिर के आसपास भी भटकेगा तो मैं उसे और उसका वंश का तबाह कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। और तब से लेकर आज तक वहाँ के जो रॉयल डायनेस्टी है कूच बिहार राजा है उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो अब बस जय माँ कामाख्या लिखकर सब्सक्राइब भी कर लेना।